नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुड न्यूज वर्सेस दबंग 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गुड न्यूज मूवी का 10वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और दबंग 3 मूवी का 17वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और साथ ही साथ बताएंगे आज इन दोनों में से कौन सी फिल्म करेगी ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म मारेगी बाजी। मगर दोस्तों उससे पहले, अगर आप सुपरस्टार अक्षय कुमार और सुपरस्टार सलमान खान के फैन हैं, इन्हें पसंद करते हैं, इनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं दबंग 3 मूवी की। दोस्तों दबंग 3 एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसके डायरेक्टर है प्रभु देवा, और दोस्तों यह दबंग सीरीज की तीसरी फिल्म है और दबंग हिट सीरीज है, और दोस्तों ये फिल्म भी हिट है। और दोस्तों इस फिल्म की कहानी को खुद सलमान खान ने लिखा है और इसे प्रोड्यूस किया है सलमान खान, अरबाज खान और निखिल द्विवेदी ने। और इसकी स्टार कास्ट में आपको मुख्य किरदारों में नजर आए हैं सुपरस्टार सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, किच्चा सुदीप, साई मांजरेकर, अरबाज खान और माही गिल जैसे एक्टर्स। और दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के ही मिक्स रिव्यूज मिले हैं। और दोस्तों इस फिल्म का बजट है लगभग 90 करोड़ रुपए। जी दोस्तों 90 करोड़ रुपए। और इसे 4 भाषाओं में रिलीज किया गया था, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। और इसे रिलीज किया गया था इंडिया में लगभग 4,300 स्क्रीन पर, ओवरसीज में लगभग 1,200 स्क्रीन पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 5,500 स्क्रीन पर। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के वर्डिक्ट की, तो दोस्तों आपको बता दें कि दबंग 3 मूवी बहुत जल्द सुपरहिट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों सुपरहिट। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें इसने अपने 16वें दिन इंडिया नेट पर कमाए लगभग 70 लाख रुपए, और ये अपने 17वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर कमा सकती है लगभग 1 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों 17वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर लगभग 1 करोड़ रुपए। दोस्तों गुड न्यूज एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्टर है राज मेहता और इसे प्रोड्यूस किया है हीरू यश जौहर, अरुणा भाटिया, करण जौहर, अपूर्वा मेहता और शशांक खेतान ने। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और इस फिल्म का डायरेक्शन भी अच्छा है। और दोस्तों इस फिल्म की कहानी और डायरेक्शन को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने ही बहुत पसंद किया है। और दोस्तों इसके स्टार कास्ट में आपको मुख्य किरदारों में नजर आए हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी जैसे एक्टर्स। और दोस्तों इस फिल्म के एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया है, इस फिल्म के एक्टर्स को भी काफी तारीफें मिली है। और दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के ही बहुत ही अच्छे रिव्यूज मिले हैं, और पब्लिक का बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला था और अभी भी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। और दोस्तों इस फिल्म का बजट है लगभग 60 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों 60 करोड़। और इसे इंडिया में लगभग 3,100 स्क्रीन पर, ओवरसीज में लगभग 700 स्क्रीन पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 3,800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि गुड न्यूज मूवी सुपरहिट हो चुकी है और यह बहुत ही जल्द ब्लॉकबस्टर भी हो जाएगी। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें इसने अपने 9वें दिन इंडिया नेट पर कमाए लगभग 10 करोड़ 80 लाख रुपए, और ये अपने 10वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर कमा सकती है लगभग 14 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों 10वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर लगभग 14 करोड़ रुपए। और दोस्तों अगर बात करें आज कौन सी फिल्म करेगी ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म मारेगी बाजी, तो दोस्तों आपको बता दें अब तक की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के हिसाब से गुड न्यूज फिल्म करेगी ज्यादा कमाई, गुड न्यूज फिल्म मारेगी बाजी। दोस्तों अगर आपने दोनों फिल्में देखी है, तो आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, गुड न्यूज या दबंग 3? कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार, सलमान खान या अक्षय कुमार? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें।